हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर वन पे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नंबर वन के यूट्यूब चैनल पे जैसा कि हम आज मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं इसके पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं संख्या पद्धति के और आज का ये वीडियो तीसरा हो रहा है इसके पहले हम दो वीडियो को अपलोड कर चुके हैं जिसका कि आप लोग आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों इस सीरीज में हम पहले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले बोलूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को प्रेस कर लें वीडियो को लाइक कर दें और हो सकता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दिया गया है बारह पॉइंट बारह पॉइंट ज़ीरो फाइव है बारह पॉइंट ज़ीरो फाइव फोर थ्री में अंक तीन का स्थानीय मान निकालना है इसमें अंक जो तीन है इसका स्थानीय मान निकालना है दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि इससे एक दो तीन इस प्रकार के क्वेश्चन का स्थानीय मान निकालना होता है तो आप लोग कक्षा आठवीं की क्लास में देखें कि इस प्रकार से ऐसे लगाते हैं तीर और यहाँ एक तीन लिखते हैं और यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं और यहाँ का दो लिख कर दो जीरो बढ़ा देते हैं इस प्रकार से करते हैं बट यहाँ पर नहीं ऐसे होगा यहाँ क्या है दशमलव पॉइंट लगाया गया है जब पॉइंट लगेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप दशमलव को मेन पॉइंट मान लीजिए ये दशमलव है मेन पॉइंट है जिस प्रकार से इधर जाएंगे तो बटे में क्या होगा बटे में एक जीरो बढ़ता चला जाएगा यहाँ से दो आगे जाएंगे तो बटे में क्या होगा दो जीरो बढ़ता चला जाएगा यहाँ से जब तीन जाएंगे तो बटे में तीन जीरो बढ़ता चला जाएगा इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए दशमलव के कितने अंक बाएं स्थान पर है दाएं स्थान पर है तीन दशमलव यहाँ पे है दशमलव यहाँ पे है यहाँ से तीन चार अंक दाएं हैं तो क्या करेंगे हम तीन तीन के नीचे क्या करेंगे एक दो तीन चार चार जीरो लगा देंगे क्या करेंगे चार जीरो लगा देंगे इस प्रकार से तो यही आपका राइट आंसर हुआ अब आंसर को मैच कीजिएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है कौन सा है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या उसके पांचवें भाग से पाँच सौ अधिक है तो शहर की जनसंख्या बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज किस प्रकार से है बोला गया क्या बोला क्या गया है कि किसी शहर की जनसंख्या उसकी पांचवें भाग से पाँच सौ अधिक है मान लिया किसी शहर की जनसंख्या कितनी है यक्स है अब इसका पाँचवें भाग से पाँच सौ अधिक है आ, तो इस शहर की जनसंख्या कितनी है इसकी पाँचवें भाग से यक्स बटा पाँचवें हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा पाँच सौ नहीं है सॉरी पाँच हजार है इतना अब इस प्रकार से क्या होगा कोई सीक्वेंस बन रहा है यानी कि इस प्रकार से समीकरण बन रहा है इसी संख्या का कोई संख्या है उसके संख्या के पांचवें भाग से पांच सौ अधिक है अब देखिए क्या है देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यक्ष है यक्ष रहेगा और यहां पे क्या हो जाएगा कि इसका गुणा इसमें होगा फिर इसको इधर पक्षांतर करेंगे या फिर इसको ही पक्षांतर कर लेते हैं माइनस यक्स बटा में फाइव हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा पाँच हज़ार ना अब इसका उड़ा इसमें करेंगे तो पाँच एक माइनस एक हो जाएगा पाँच एक माइनस यक्स, यक्स बराबर में कितना हो जाएगा फाइव इंटू में पाँच ट्रिपल ज़ीरो पाँच त्रिपल जीरो ऐसे समझ लीजिएगा अब यहाँ चलते हैं पाँच एक और यक्स है माइनस uh, एक्स है फोर एक्स हो जाएगा फोर एक्स एकजिकल टू कितना हो जाएगा पाँच इंटू में पाँच हज़ार पाँच हजार अब यक्स इजक्ल टू क्या हो जाएगा यक्स इजकल टू इसके बटी में हो जाएगा पाँच पाँच से पाँच कैंसिल कर दीजिए पाँच कहाँ पाँच यहाँ पे है ना नहीं सॉरी चार है यहाँ पर यहाँ पे क्या है चार है देखिएगा ध्यान से इस प्रकार से अब देखिए अब यक्स बटा में क्या हो जाएगा इसके बट्टे में चार हो जाएगा अब देखिए पाँच, पाँच पच्चे पच्चीस था तो काट लीजिएगा किससे कटेगा ऊपर क्या हो जाएगा पच्चीस सौ हो जाएगा और पच्चीस हजार हो जाएगा बट्टे में क्या हो जाएगा चार चार छः चौबीस हो जाएगा बचा हासिल एक क्या हो जाएगा यहाँ पर दस हो जाएगा चार गुना के आठ फिर क्या हो जाएगा बचेगा दो चार पंच बीस इस प्रकार से बासठ पचास आपका आंसर आ जाएगा अब आंसर को मैच कीजिएगा आंसर कहाँ पे है तो आपका आंसर कहाँ पे है बासठ पचास ऑप्शन नंबर सी में सही है यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि यदि यक्स एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी यानी कि यक्ष जो है एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी तो आप ध्यान रखिएगा कि यक्ष मान लिया सम संख्या है यक्ष सम संख्या यानी कि यक्ष को हम दो मान सकते हैं चार मान सकते हैं छः मान सकते हैं आठ मान सकते हैं यानी कि इस प्रकार से डॉट 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 मान सकते हैं अब क्या है कि तो अगली विषम संख्या क्या है यानी कि हम जब दो मानेंगे दो की अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी टू हो जाएगी प्लस में वन हो जाएगी कितना हो जाएगा टू हो जाएगा प्लस में वन हो जाएगा इतना हो जाएगा फिर यदि हम चार मानेंगे तो क्या हो जाएगा चार हो जाएगा प्लस में वन यानी कि पांच हो जाएगा ये क्या है अगली विषम संख्या है तो हम क्यों न करें ऐसा करें कि यक्स में ही जोड़ दें तो यक्स प्लस में वन यानी कि यक्स प्लस में वन हमारा क्या है अगली विषम संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी यक्स प्लस में वन यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर बी में है जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है देखिएगा ध्यान से यहाँ पे इस प्रकार से है देखिए दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे कि यहाँ पर दिया है फॉर एग्जाम्पल की तरह से सैतीस सैतीस या तिरसठ तिरसठ तिर बनी चार अंकों वाली संख्या को सदैव विभाजित संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तो है जो कि दो अंकों की पुनरावृत्ति के साथ पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसको करने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसे दो अंकों वाली संख्या को पुनरावृत्ति करते हैं तो दो अंकों वाली संख्या की जैसे हम ले लेते हैं बीस ले लेते हैं और बीस ले लेते हैं इसको हम किस संख्या से काट सकते हैं तो इसको काटने के लिए देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं थोड़ा सा इसको काटने के लिए जिसे बीस है और बीस है अब इसको काटने के लिए हम वन जीरो वन का प्रयोग करेंगे वन जीरो वन से हम काटेंगे तो कितना कटेगा कि दो बार में क्या हो जाएगा टू जीरो टू हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा यहाँ कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा जीरो जो कि जीरो उतर जाएगा यानी कि बीस बार में यह कट जा रहा है यानी कि किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति होगा तो वह किससे कटेगा वह कटेगा जीरो वन जीरो वन से कटेगा दो अंकों की संख्या को जब पुनरावृत्ति करेंगे तो वन जीरो वन से ही कटेगा इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अब इस क्वेश्चन को ध्यान करिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब दो अंकों की पुनरावृत्ति करें तो आप डायरेक्ट आंसर पर टिक मारेंगे वन जीरो वन को अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट था

यदि आज उसकी लंबाई चौंसठ है यानी कि वर्तमान में उसकी लंबाई कितनी है चौंसठ है और वह प्रतिवर्ष अपने ऊंचाई का एक बटा आठ बढ़ता है तो वह क्या होगा कि वह उसका एक साल का निकालिए फिर क्या होगा उसका दो साल का निकाल कर बताना है तो पहले एक साल पर हम चलते हैं यानी कि इसमें कितनी है चौंसठ है तो अगले साल क्या हो जाएगी चौंसठ बटे में आठ यानी कि अपनी ऊंचाई ऊँचाई का आठ बढ़ती है तो इसे इस काट देंगे तो कितना हो जाएगा अट्ठा चौंसठ यानी कि आठ आठ मीटर या जो कुछ होगा आठ मात्रा क्या होगी या आठ सेंटीमीटर है ना आठ सेंटीमीटर अगले वर्ष बढ़ जाएगी तो चौंसठ आठ कितना हो जाएगा बहत्तर हो जाएगा चौंसठ आठ बहत्तर यानी कि अगले वर्ष कितना हो जाएगा बहत्तर बढ़ जाएगा फिर करेंगे क्या बहत्तर तो अगले वर्ष हो जाएगा फिर उसकी अगले वर्ष दिन इसमें चलेंगे जब तो फिर आठ से भाग देकर पता करना पड़ेगा कि कितना आगे आगे बढ़ेगा तो आठ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आठ नवा बहत्तर यानी कि अगले साल जब यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर आ जाएंगे तो बहत्तर और प्लस नाइन और जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा नौ दो ग्यारह एक और कितना हो जाएगा नौ दो ग्यारह एक हो जाएगा और सात कितना हो जाएगा नौ दो ग्यारह एक हसीला एक सात एक आठ यानी कि इक्यासी आपका इक्यासी सेंटीमीटर का दो वर्ष बाद में आपका पेड़ हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो कहाँ पर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है यानी कि डी इसका राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं चालीस लाइक like का यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या है तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग कितना है तेरह सौ पचास है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को क्या है तीन अंकों की कोई संख्या है जैसे एक अंक यहाँ पे है एक अंक यहाँ तीन क्रमिक संख्या है तीन क्रमिक संख्या है एक संख्या यहाँ पे है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है यदि इस तीनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ रहा है तेरह सौ पचास आ रहा है और हमसे पूछा क्या गया है कि इस संख्या का और इस संख्या का दोनों का जोड़ बताना है क्या करना है दोनों का जोड़ बताना है तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व करने से पहले हम इसमें कुछ मान लेते हैं कि तीन क्रमिक संख्या क्या हो सकती है तीन क्रमिक संख्या यानी कि हम यक्ष ले रहे हैं उसकी आगे की संख्या क्या हो जाएगी क्स प्लस में वन हो जाएगी उसकी आगे की संख्या क्या हो जाएगी यक्स प्लस टू हो जाएगी फिर देखिए इसको मिटा दे रहे हैं देखिए क्या हो जाएगी यक्स हो जाएगी कामा यक्स प्लस में वन कामा यक्स प्लस में टू हो जाएगी ये तीन संख्या मान लेते हैं क्रमिक संख्या क्रमिक में जब मानना होगा आपको तो इसी तरह से मानिएगा अब देखिए आगे क्या है इस तीनों का जोड़ कितना है तेरह सौ पचास है यानी इस तीनों का जोड़ कितना है जोड़ है आपका तेरह सौ पचास है जोड़ कितना है तेरह सौ पचास है अब जोड़ लीजिए क्या है यक्स 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 थ्री यक्स हो जाएगा प्लस में क्या है दो एक तीन तीन इज कॉल्स टू कितना है तेरह सौ पचास है तेरह सौ पचास है अब आगे क्या है तीन हम इसको पचहत्तर कर दे रहे हैं थ्री यक्स है बराबर में कितना हो जाएगा तेरह सौ पचास में तीन घटेगा तो कितना हो जाएगा तेरह सौ सैंतालीस हो जाएगा अब आगे चलते हैं यक्स इजकअल टू कितना हो जाएगा तेरह सौ सैंतालीस बटे में तीन तीन से काट देंगे तो कितना हो जाएगा तीन तिर का नौ तीन चौक का बारह यहाँ चार आ जाएगा फिर बचेगा कितना हासिल एक फिर चौदह हो जाएगा तो तीन चौक का बारह हो जाएगा फिर कितना बचेगा दो बचेगा जो कि यहाँ सत्ताईस हो जाएगा तीन नमा सत्ताईस यानी कि कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा कि चार सौ उनचास यक्स टू चार सौ उनचास आ जाएगा यानी कि जो यहाँ पे है यक्स है यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा चार सौ उनचास यक्स टू ये जो यक्ष है यहाँ पे यक्स है यहाँ पे यक्स है तो यक्स इक्वल टू चार सौ उनचास आ रहा है तो यहाँ पर चार सौ उनचास को हम ज्वाइनिंग यानी कि जोड़ेंगे देखिए एक बार इसको मिटा दे रहे हैं आपको समझने के लिए देखिए यहाँ पर एक सिकल टू चार सौ उनचास है चार सौ उनचास है और फिर इस इतना स्कल टू कितना हो जाएगा चार सौ उनचास में दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा चार सौ इक्यावन नौ एक दस के जीरो हासिल लाया एक पाँच चार नौ एक दस के जीरो हासिल लाया एक फिर चार चार आठ एक नौ यानी कि जब नौ है यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको नौ यही नौ सौ क्या हो जाएगा योग हो जाएगा पहला और अंतिम संख्याओं का योग यही आपका राइट आंसर हो गया तो ऑप्शन में मैच कीजिएगा ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा किसी संख्या के चार तिहाई के दो तिहाई का मान कितना है आठ अस्सी है संख्या क्या होगी किसी संख्या के चार तिहाई के दो तिहाई का मान चार तिहाई मतलब क्या हो जाएगा यक्ष है यक्ष किसी संख्या होगी किसी संख्या मान लिया यक्ष हो गई यक्ष के चार तिहाई चार तिहाई का दो तिहाई दो तिहाई का मान कितना है अस्सी है अब क्वेश्चन का क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कहना चाहता है कि कोई संख्या है उसका चार तिहाई का दो तिहाई अस्सी है अस्सी है तो वह तो संख्या क्या होगी जो यानी हमारा ये जो यक्ष है यही संख्या क्या होगी तो देखिए क्या होगी संख्या हमारी तो यक्ष हो जाएगा चार दुना के आठ हो जाएगा तो इसको सभी को इधर पक्षांतर कर देते हैं अस्सी हो जाएगा यहाँ पर तीन तरीक़ा नौ यानी कि यहाँ पर नौ हो जाएगा और चार दुना के आठ नीचे आठ हो जाएगा आठ से आठ से आठ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ऊपर क्या ऊपर बचेगा केवल नाइन्टीसल टू नाइन्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर को मैच कीजिए आंसर किस में है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है कितना यक्स इजकल टू नाइन्टी जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में मिल रहा है यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन यही है अगला क्वेश्चन इस प्रकार से क्या कहा गया है दो संख्याओं का योगफल बीस है गुणनफल इक्यानबे है उनके व्युतक्रमों का योग ज्ञात कीजिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या है दो अंकों का दो संख्याओं का योगफल बीस है दो संख्या ये प्लस में वाई मान लेते हैं इसका योगफल बीस है और गुणनफल इक्यानबे है इसका गुणनफल कितना है यक्स क्लास वाई का गुणनफल कितना है नाइन्टी वन है अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम सिंपल से बस ध्यान रख लीजिए ऊपर क्या है यक्स प्लस वाई है नीचे क्या है यक्स बटे वाई है अब इसका व्युत्क्रम का योग पूछा है क्या किया है व्युत्क्रम का योग तो हम इसको क्या कर देंगे बटे में कर देंगे तो जब बटे में हम कर देंगे तो आपने पिछली कक्षा में क्लास एट ट में पढ़ लिया होगा यदि कि किसी की संख्या ऊपर प्लस में है नीचे क्या है गुणा में है तो हम एक एक को तोड़ सकते हैं यानी कि यक्स बटा में हम यक्स वाई कर सकते हैं प्लस में वाई बटा में हम यक्स वाई कर सकते हैं इजकल टू तो बीस बटा में इक्यानबे इतना तक समझ में आ गया होगा अब क्या करेंगे यक्स को यक्स कैंसिल कर देंगे वाई को वाई से कैंसिल कर देंगे और बचेगा क्या आपका यहाँ पर आपका बचेगा आ, ये वन पान क्या बचेगा वन अपान वाई प्लस में वन अपान यक्स इजकअल टू बीस अपान इक्यानबे यही आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वन पान वाई प्लस में वन पान्स इज्कल टू बीस बटा इक्यानवे अब आंसर को मैच कीजिएगा आंसर किस में है आंसर है आपका बीस बटा इक्यानवे जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा मिस मैच हो गया है ऑप्शन नंबर बीस बटा इक्यानबे है यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बेहद पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब तक हम इसको फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं आप देख लीजिएगा इस्क्रीन शॉट ले लीजिएगा चलिए बस है दोस्तों आपके इस प्यार के लिए हम बहुत आभार हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सॉरी अब इसकी आगे हम क्या करेंगे इस पार्ट को बस यहीं पर स्थगित करेंगे और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को कवर करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय